कहा कि मेरे लिए डांस के तीन मतलब होते हैं, थ्री ईज ऑफ डांसिंग, वन इज एंटरटेनमेंट, वन इज एजुकेशन एंड वन इज टू एनलाइटन. सो ये तीनों पर्पस जो हैं डांस के सॉल्व होते हैं, और एनलाइटन के साथ जुड़ना थ्रू माई मीनिंग ऑफ डांस इट्स वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू मिस्टर मेहता. थैंक यू. ग्यारह साल से अपनी मैगजीन्स चल रही है, और जिसे उन्होंने बताया कि संदीप जी से बात कर रहे थे, हम लोग काफ़ी टाइम से हम लोग फ्रेंड्स हैं, काफ़ी टाइम से फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स किए, बहुत सारे साथ में हम लोग ने ट्रैवल किए, लेकिन एक बोलते ना एक स्पॉट मिल नहीं रहा था कि कैसे करें. और ये लॉकडाउन में हम लोग इतने क्लोज आए, और उनके जो फिलैंथ्रोपीज, उनके जो सोशल कॉज, उन्होंने जो सी हैज गिवन बैक टू द सोसाइटी, तो आई सेड के इज अ मल्टी टैलेंटेड मैन, इज़ अ वेरी गुड सोल. और मैंने बोला कि संदीप जी अगर आप कहीं शूट करा ले तो चलो हम लोग जनवरी न्यू ईयर में हम लोग सेलिब्रेट करें. इट वॉज लाइक अमेजिंग एनी टाइम, बिकॉज हम लोग में रिलेशन्स ऐसी है ना कि इट इज़ लाइक ही इज़ एनलाइटन, ही इज़ एनलाइटन इंडिया, आई एम संदीप सुपरकर, वी आर लाइक वन. मगर ये सोच ही नहीं आई थी, लेकिन बोला कि 2021 के जनवरी में हम लोग ये बिगिनिंग करें. एंड वी हैड अ वेरी गुड शूट विथ आकाश, एंड देन वी प्रोजेक्टेड इंटरव्यू भी इतना लंबा चला, वी हैड टू कट डाउन ऑन सो मेनी थिंग्स बिकॉज देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स. लेकिन मैंने बोला कि संदीप जी हम लोग को सबकी सब चीज़ बतानी है, आपकी जर्नी बतानी है, आप आरजे थे, आप यहाँ किए, आपने बॉल रूम इंट्रोड्यूस किया, आपने लैटिन के किया, आपने डांस फॉर द कॉज किया, आपने अवार्ड मिला, अपने गवर्नर के हाथों से अवार्ड मिलना, इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग. इट एक पैशन होता है, एक हार्डवर्क होता है, और एक गुड सोल, यानी कि अगर सब बराबर हो गए तो भगवान भी अपने को ये करते हैं. सो विथ माई गॉड्स नेम, परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी, आई बिलीव टू दैट कम्युनिटी एंड आई शेयर विथ हिम विद संदीप जी, वी हैव टू कम टू अवर आश्रम, टेक ब्लेसिंग्स एंड वी गो हैड विथ दैट. सो विथ गुरुज डिवाइन ब्लेसिंग्स, संदीप जी इज अ वेरी प्योर हार्ट सोल एंड आई एम गेटिंग गूज़बम्स, इज अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड दिस इज हाउ आपके सामने है. और आप लोग को भी काफ़ी धन्यवाद कि आप लोग इतने माध्यम में आए, आप लोग ने सुना ये किया, सो थैंक यू सो मच. इसको इतना स्प्रेड कर दीजिएगा, जो फैक्ट है उस प्लीज स्प्रेड कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच. संदीप सर आपसे जानना चाहूँगा, सर ने जैसे बताया कि बहुत सारी चीज़ें उनको इसमें डाली थी मैगजीन में, तो वॉज इट डिफिकल्ट फॉर यू टू कन्वे एवरीथिंग टू देम? Well, what was difficult was to think back and remember so many things. Dance for a Cause मैंने 2008 में शुरू किया था, तो उसके बारे में सोचना क्या क्या हुआ, कौन से शोज किए. सो आई थिंक इट टुक मी बैक इन टू ओल्ड डेज. आई थिंक फील्स वंडरफुल अगर आप अपनी जर्नी के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, और फिर उसको जब पढ़ते हैं, सो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर. बट येस, दिस इंटरव्यू वॉज वेरी स्पेशल बिकॉज इट टुक मी बैक इन टू माई टाइम्स and it's taking me ahead as to what I have in future as well. So it was a complete memory game at the same time what I have for my future all together. How was your experience? You are looking gorgeous first of all. Thank you. How was your experience, today's experience? How was the bonding with Sandeep sir? Oh, the bonding with Sandeep sir is very good. Actually, I was a very big fan before I started dancing with him. And it was always my dream to dance with him, and it came true when one day he came and said, do you want to dance with me? I said, what? He said, yes. And I like, no, yes, of course I want to dance. And he is, like sir has already mentioned, he's the best person to work with. He's very humble and he respects you, appreciates everything, and it is very, very nice to work with you and dance with you. And also sir, it's very nice to see that you are appreciating his talent, his achievements, and everything that he's done for the society. It is a brilliant thing that you have brought that out and to so many people to see and read about it and take an example of what somebody like Sandeep Sopparkar has done for India. Sandeep sir, it's been 2021 चल रहा है सर, क्या रेजोल्यूशन बनाया आपने 2021 के लिए, और 2020 से क्या सीखा आपने? रेजोल्यूशन
रेजोल्यूशन तो मैंने कुछ नहीं बनाए, आई थिंक हम लोग बनाते हैं और तोड़ देते हैं काफ़ी सब लोग, तो रेजोल्यूशन कुछ नहीं बनाए। बट येस 2020 से ये जरूर सीखा कि हम लोग दो कपड़ों में रह सकते हैं। एक ज़माना था जब हम लोग बोलते थे रोटी कपड़ा मकान, अभी रोटी अफकोर्स इम्पॉर्टेंट, कपड़ा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर, आप दो जोड़ों में रह सकते हैं। वाईफाई इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ताकि आप सब कनेक्ट रहें, एंड अफकोर्स मकान इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल। सो रोटी, वाईफाई एंड मकान इज़ व्हाट्स इम्पॉर्टेंट, ये सीखा गया। एंड आई थिंक एट द सेम टाइम द फैमिलीज केम टुगेदर, दैट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ 2020। हम लोग सब साथ में घर में थे, आप लोग सब साथ में घर में थे, एंड वी रियलाइज इतने हमारे लाइफ में हम लोग भागते हैं काम के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, नेम फेम के लिए, कहीं पे अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को हम लोग भूल जाते हैं, ऑल वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। बट दिस वॉज अ टाइम व्हेन एवरीवन केम टुगेदर एंड आई केम टुगेदर विद माई पेरेंट्स आफ्टर मेनी ईयर्स, एंड आई जस्ट फेल्ट सो वंडरफुल टू हैव माई चिल्ड्रन एंड माई पेरेंट्स ऑल टुगेदर। सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल फीलिंग, एक घर साथ में जो बोलते हैं घर साथ में जुड़ता है बनता है, वो फीलिंग 6-8 महीना एक साथ जो मुझे कभी कभी हफ्ता 10 दिन मिलती थी, ये इतने महीने एक साथ मिली इतने सालों बाद मेरे कॉलेज की दिनों की मुझे बहुत याद आई, एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। 2021 हैज टॉट अस थ्रू 2020 दैट वी नीड टू लुक फॉरवर्ड टू ब्राइटर थिंग्स, बी पॉजिटिव, स्टे एनर्जेटिक। लाइक आई ऑलवेज से, डांस टू मी इज लाइक कर्ण का सुनहरा कवच, इट्स लाइक लक्ष्मण रेखा। जब तक सीता लक्ष्मण रेखा के अंदर थी तब तक वो सुरक्षित थी, जब तक कर्ण ने कवच पहना था वो सुरक्षित था। डांस क्रिएट्स दैट सुरक्षा अराउंड यू, सो ऑलवेज कीप डांसिंग। 2020 टॉट मी, इट कीप्स मी पॉजिटिव, इट कीप्स मी एनर्जेटिक, इट कीप्स मी सुरक्षित, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग आर्ट को अपनाइए, और कोई भी आर्ट फॉर्म हो, चाहे म्यूजिक हो, डांसिंग हो, कुकिंग हो, गार्डनिंग हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो, आर्ट जो है इट बिकम्स लाइक द कवच, इट बिकम्स लाइक लक्ष्मण रेखा, एंड स्टे पॉजिटिव, एंड दैट्स व्हाट 2021 विल ब्रिंग फॉर अस। सो एनी ऑफ योर अपकमिंग प्रोजेक्ट आफ्टर दिस? वेल, पहला शो की शुरुआत आज आप लोगों के सामने हुई है, एंड आई एम श्योर लॉट्स मोर कमिंग अप। येस, आई हैव अ म्यूजिकल दैट इज कमिंग अप वेरी सून, यू विल सी इट प्रॉब्ली इन मार्च, सो इट्स ऑलमोस्ट गेटिंग रेडी, वेर आई एम डूइंग लॉट्स न्यू डांस फॉर्म्स विच इज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, एंड ऑफकोर्स अ फ्यू फिल्म्स विच विल टेक सम टाइम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। सो यू आर, आई थिंक 2021 लुक्स ब्राइट। टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज आई वर्क विद so many models and fitness models, so he's a dance choreographer, right? So जब संदीप सर पोज करते हैं, लाइक वो एक ऐसा रहता है ना, एक डांस, आई मीन उनके अंदर दिख के आता है। सो आई सॉ दैट टाइप ऑफ थिंग इन दिस शूट, सो वी स्टार्टेड शूट इन मॉर्निंग 10 एंड आई गेस रात 10:30 आई लाइक 12 आवर्स वी आर वर्किंग ऑन दिस लुक। वी कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 13 लुक इन वन डे, सो इट वॉज गुड experience with Sandeep Sopatkar. Yeah. Geeta ma'am, what do you want to say about Sandeep Sopatkar sir, and he is on cover and you have long association with him. What do you want to say? So my association with Sandeep sir has been for almost 12 to 15 years, I would say, as a student and then as a manager, and he always encourages. He's the one who's put me on stage, hosting everything bit by bit, and I think I've started from organizing cakes and making sure that table comes in time to hosting the show. So the credit goes to him. He's really encouraging. And it's always very, very beautiful to see him on magazine covers. Because when you see that your teacher, what he can do and how he can present things, so it really gives you also a lot of courage to do things. So the credit goes to him. Okay, ma'am, what do you want to say about this cover and how was experience working with Mr. So Sandeep is my dear friend for past 15-18 years now, and it's a great honor to see this amazing cover. Absolutely delighted to have this awesome view and amazing concept, Enlighten India, and very, very pleased and honored to talk a few words about my friend Jigar's venue, Roots of India. It's a great venue, and for authentic Indian food, of course, if you live in India, you must try authentic Indian food. Then this is the place to come in at Times Square at Andheri East. So yeah, I think I know everything very closely now. It was amazing meeting the director of Enlighten India, great personality. So it's great to be here, and amazing cover, and thank you so much.